विश्व में पहली बार आयुर्वेद अध्यात्म ज्योतिष एवं मंत्र विज्ञान का संगम आयुर्वेदिक के धन कुबेर विश्व विख्यात आचार्य मनीष जी एवं अध्यात्म जगत के शिखर पुरुष सतगुरु नाथ आचार्य सतीश अवस्थी जी मिलकर कर रहे हैं लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम। प्रत्येक मनुष्य जीवन में किसी न किसी समस्या और मुसीबत से घिरा हुआ है, शारीरिक रोग, मानसिक रोग या आर्थिक संकट। यदि आप दिनचर्या, अध्यात्म, ध्यान एवं मेडिटेशन इत्यादि के द्वारा मनवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज ही जुड़े दिव्या उपचार संस्थान से और पाएं अपने कष्टों से छुटकारा। आपके शहर में आए
समय से इंतजार कर रहे हो। हम लोग भी सोचते हैं कि आप लोग जितना ज्यादा सीख सको उतना अच्छा है। जैसे सबसे पहले आपने सिखाया हंसने के बारे में, अपने दिमाग की शक्तियों के बारे में कि कैसे आप अपने मन मस्तिष्क को सबसे पहले अपने कंट्रोल में करें। दूसरे नंबर पे आपको अपने आध्यात्मिक जीवन को कैसे उन्नति की तरफ लेके आना है, और फिर हम बात कर रहे हैं आपकी रोग मुक्ति की। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा जितना टाइम लू आपके काम की बातें करूं जिससे आपको कोई ना कोई फायदा हो, आपको कुछ ना कुछ जीवन में स्वस्थ रहने में, निरोगी रहने में और भविष्य में कोई लक्ष्य प्राप्त करने में आपको कोई मदद मिल सके। तो मेरे हिसाब से मैं कुछ सोचा पूछ देता हूँ, मुझे आइडिया लग जाएगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले जो पहली बार कभी भी हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, जिन्होंने कभी कोई ना दवाई ली आज तक ना कोई मिलेगी, आप सब लोग पहली बार आ रहे हो, एक बार नीचे रखा। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी कोई दवाई खाई हुई है या पुराने पेशेंट है या पुराने क्लाइंट है, मतलब नए वाली संख्या जा रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं बेसिक से सिखाते हैं सारा कि ज्यादा से ज्यादा कैसे सिखा पाए आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से मैं आप ही लोगों से पूछ लेता हूँ कि दो चार लोग मुझे आप ही बता दो कि हम किस चीज पे ज्यादा चर्चा करें जिससे कि आपको फायदा हो सके। मतलब शुगर के पेशेंट कितने हैं? शुगर के पेशेंट लगभग मान के चलते हैं 50-60 पेशेंट लगभग। अच्छा, बीपी वाले कितने हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, वो भी लगभग बराबर है। अच्छा, जोड़ों का दर्द कितने लोगों का है? जोड़ों का दर्द वाले ज्यादा है, इनकी संख्या 100-100 है। फिर आपने क्या किया? गोली खानी शुरू कर दी, आज तक रेगुलर खा रहे हो। अच्छा, फिर आपको क्या हो गया? नहीं, और इसके बाद अभी क्या और तुम्हारी क्या है? उसके बाद बीपी के अलावा कुछ नहीं आपको? कोलेस्ट्रॉल कोई रिपोर्ट में? अच्छा, कोई हार्ट की दिक्कत? कोई बता के बताओ। कब की बात है, स्टंट कब डला है? 10 साल पहले स्टंट भी डल चुका है। अब जब स्टंट डला था उससे पहले क्या हुआ था आपको, दोबारा बताओ माइक पास लेके। हार्ट अटैक हुआ था, जबकि बीपी की गोली रोज खा रहे थे कितने साल से? 20 साल से। और 10 साल बाद क्या हुआ? बीपी की गोली कभी खाई नहीं थी। अच्छा, पहले खाते ही नहीं थे? अच्छा, मतलब गोली खानी जरूरी थी या नहीं थी? पहले अच्छा, जब 10 साल पहले आपको बीपी हुआ था, अगर उसी टाइम आपको ये बताया जाता कि बीपी ऐसे ठीक होता है खाना पीना सेट करके, तो क्या आपको हार्ट अटैक पड़ता? पहले हार्ट अटैक ही हुआ था। आप कह रहे हो पहले बीपी हुआ था, किस साल पहले? अच्छा, चलो अभी क्या तकलीफ है? अभी गोली कौन सी खा रहे हो? हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर। कितनी गोलियां रोज की आपकी अभी? एक ब्लड प्रेशर की, एक ब्लड प्रेशर की, एक खून को पतला करने की और एक ताकत की। अच्छा, जितने भी लोगों से आप मिले हो आज तक स्टंट मिले हुए, क्या स्टंट इलाज है कि एक टेम्परेरी उपाय है? मेरे को इतने साल हो गए हैं, ठीक है। और जितने भी लोगों के पास ढीला शरीर, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, पूरा ध्यान सांस लेने में और छोड़ने में, गहरी गहरी सांस भरो, पूरी गहरी
गहरी लंबी सांस भरो, गहरी लंबी सांस खाली करो, गहरी लंबी सांस और छोड़ने में गहरी लंबी सांस भरो, गहरी लंबी सांस खाली करो, महसूस करो ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। आपने सिर्फ महसूस करना है ठंडी हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जा रही है और गर्म हवा, बुरी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। पूरी गहरी लंबी सांस भरो,
चावल सब्जी दाल जो लेना चाहो ले सकते हो।
मतलब परहेज किसी चीज का नहीं है, सिर्फ पहले अपने को नाश्ते में फ्रूट की प्लेट, लंच में सलाद की प्लेट, डिनर में सलाद की प्लेट। आचार्य जी, आज का जो सक्सेसफुल सारा सेमिनार हुआ जिसमें हजारों की गिनती में लोगों ने आकर अपनी अपनी दुख तकलीफें बताई और तीनों ढंगों से, मेडिटेशन से, मेडिसिन से और अध्यात्मिक ढंग से, जिस तरीके से आपने लोगों को उपाय बताए और हर बंदा जो पहले आया था उसका चेहरा थोड़ा ढला हुआ था लेकिन जाते हुए सभी खुश गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये चाहेंगे सब ये प्रभु की कृपा है कि वो हमें एक ऐसी शक्ति दे रहा है कि हम लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं, स्वस्थ जीना सिखा रहे हैं, सुखी रहना सिखा रहे हैं और उसके माध्यम में मीडिया भी हमारी मदद कर रहा है और प्रकृति भी हमारी मदद कर रही है, सृष्टि भी हमारी मदद कर रही है। सर, जिस तरह से ये लुधियाना के लोगों ने आज यहाँ एक अपना जो है बहुत बड़ी खुशी मनाई है, इस एरिया में आप आए हो तो आने वाले समय में हम ये सोचें कि पंजाब के अलग अलग शहरों में और आने वाले समय में हिंदुस्तान में ये जो नेटवर्क चलता रहेगा, हम हर शहर में जाएंगे, हर शहर के लोगों से मिलेंगे, उनको खाना पीना सिखाएंगे, जीना सिखाएंगे, स्वस्थ रहना सिखाएंगे और ये मुहिम चलती रहेगी पूरे विश्व में, पूरे भारत में चलेगी। आज मतलब हम ये समझे कि आज की जो शुभ मुहूर्त है वो लुधियाना की इस गति से हुआ। हाँ, ये पहला समागम हमने लुधियाना से शुरू किया है और अभी हर शहर और हर प्रांत में पहुँचेगा। और निजी आप भी इतना मतलब डिफिकल्ट हो जाएंगे मिलना, जैसे मतलब बड़े बड़े स्वामी जी होते हैं कि वैसे थोड़ा सा प्यार वैसे ही करते रहे। देखो, ये तो आपको पता है घंटे सब 24 ही हैं, उसमें 5-6 घंटे सोना होता है, खाना पीना होता है और कोशिश तो यही है कि हम लोग ना बदलें, लेकिन अगर दुनिया बढ़ जाएगी तो नेचुरली वक्त निकालने की दिक्कत होती है। ठीक है।